की करें तो आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश से बेहाल है और हालात ऐसे हैं कि नदी नाले उफान में होने की वजह से लोगों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई हैं। एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हालात बहुत खतरनाक है, जहां पर सैलाब देखने को मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ बारिश के देश भर से हैरान करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बारिश की वजह से सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आई हैं। यहां पिछले चार दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका असर ये हुआ कि तमाम नदी और नाले उफान पर हैं। इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रस्सी के सहारे सीआरपीएफ के जवान एक माँ और उसके नवजात बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस महिला की समय से पहले डिलीवरी होने की वजह से इसे अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में नंबी धारा नदी में पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लोग फंस गए, जिसके बाद सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला और इस परिवार की मदद की। गुजरात में मॉनसून बेलगाम नजर आ रहा है, इस वीडियो को देखिए। सैलाब की यह तस्वीरें द्वारका की हैं। यहां रविवार शाम से बारिश हो रही है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया है। घर, गली, मोहल्ले, बाजार सब पानी में डूबे हैं। दुकानों में पानी भर जाने से कामकाज ठप हो गया है। जल भराव के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। पैदल चलना तक दूभर हो गया है। गुजरात के कई इलाकों का कमोबेश ऐसा ही हाल है। इस परेशानी को देखते हुए द्वारका में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जुलाई तक गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीरें देखिए, जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। नागपुर, भंडार और चंद्रपुर सहित तमाम जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच चंद्रपुर जिले में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए कैसे एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया जा रहा है। हर तरफ पानी भरा होने की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही हैं। मुंबई पर कुदरत का डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ समंदर में तेज हवाओं के साथ बवंडर उठ रहा है, तो वहीं लगातार बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर रखा है। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में जल भराव दिख रहा है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। तो वहीं खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट्स भी कैंसिल चल रही हैं।